मैं हूँ रजनी कटारिया, बिल्कुल वहीं शामिल। दोस्तों आज मैं मरकरी की बात करने वाली हूँ बुध ग्रह की, और बुध ग्रह की बात मैं इसलिए करने वाली हूँ क्योंकि बुध ग्रह जो है वो ट्रांजिट अभी तो वक्री पोजिशन में है, ठीक है। वक्री पोजिशन में रहकर ही वो कुछ मूवमेंट करने वाले हैं, वो क्या मूवमेंट करने वाले हैं उसके बारे में आज आपको बताने वाले हैं। पहली चीज़ तो हम थोड़ा बुध ग्रह के बारे में बात कर लेते हैं। मेरे हर वीडियो में बुध ग्रह के बारे में मैं बताती हूँ कि कम्युनिकेशन मेन चीज़ होती है, आपकी लैंग्वेज आप किस तरह से बात करते हैं, आपकी कौन से शब्द आप यूज़ करते हैं, आपका बिजनेस है या जॉब है, क्योंकि हम बोलकर ही उस पर पैसा कमाते हैं या बोलकर ही एक दूसरे को अपनी भावनाएं बताते हैं। अपने आप को एक्सपोज करना, कम्युनिकेट करना, कॉन्टेक्ट करना लोगों से, वो सब चीज़ें बुध ग्रह में आती हैं। इट्स अ पाइपलाइन लाइक, ठीक है। तो बुध ग्रह होता है, ठीक है। बुध ग्रह इस वक्त ट्रांजिट किए हुए हैं इन सजिटेरियस। मैंने वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी से, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर के उसका लिंक डालने वाली हूँ कि सजिटेरियस में अभी ट्रांजिट कर रहे हैं और वक्री पोजिशन में है, ठीक है। अब अगले 28 दिसंबर को बुध ट्रांजिट कर जाएंगे इन वक्री पोजिशन में इन स्कॉर्पियो, ठीक है। स्कॉर्पियो जो साइन है वो साइन है मार्स का, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन या एक बदलाव, दैट इज ए स्कॉर्पियो का मेन एजेंडा रहता है। छिपा हुआ साइन होता है क्योंकि 8th हाउस दिया गया है इन कालकुशा कुंडली में, ठीक है। उसमें ट्रांजिट करेंगे बुध ग्रह। उसके अलावा स्कॉर्पियो केतु की भी जगह मानी जाती है, केतु का स्थान भी माना जाता है स्कॉर्पियो को, ठीक है। ट्रांजिट करेंगे 28 दिसंबर को। उसके अलावा वहाँ पर वो रहने वाले हैं 7 जनवरी तक। तो जो लिंक जो मिल रहा है ना नए साल में, मैं 2024 की बात कर रही हूँ, तो बुध जो है वो वक्री पोजिशन में आपको 2024 में लेकर के जाने वाले हैं 2023 से। उसके अलावा उस वक्त वो होंगे स्कॉर्पियो साइन में। स्कॉर्पियो साइन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन साइन, ठीक है। उसके अलावा बहुत छोटा सा पीरियड है 28 दिसंबर से लेकर के 7 जनवरी तक का, यानी कि 11 दिन का ये सब पीरियड है, और 2 जनवरी को उसमें वो मार्गी हो जाएंगे स्कॉर्पियो साइन में। फिर 7 जनवरी को निकल करके वापस से सेजिटेरियस में आ जाएंगे। तो दैट इज़ ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड डेट्स वाला जो सिस्टम है, आप इसको समझिए कि 11 दिन का पीरियड रहेगा 28 दिसंबर से लेकर के 7 जनवरी तक का, और उसमें 5 दिन के लिए वो वक्री में रहेंगे और 5 दिन में वो मार्गी पोजिशन में रहने वाले हैं। 6 दिन के लिए वक्री रहेंगे और 5 दिन के लिए मार्गी में, तो 10 से 11 दिन का समय रहेगा। अब आपको करना क्या है, ये तो होगी एस्ट्रोलॉजिकली बातें, ठीक है। 28 दिसंबर से लेकर के और स्पेशली 7 जनवरी तक आपको करना क्या है, यह आपके ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है बुध प्लैनेट का। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि लिंक एक कड़ी मिल रही है 2023 से 2024 के बीच में, बुध जो ग्रह है वो कड़ी दे रहे हैं इन स्कॉर्पियो साइन में, यानी कि बुध मैसेज दे रहे हैं कि आपको अपनी चीज़ों को मॉडिफाई करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा रिलेटेड बुध, ठीक है। तो बहुत छोटा सा पीरियड है पर इफेक्टिव रहेगा। सारे ज्योतिष साइन के बारे में बहुत कम लाइन में बताने वाली हूँ, फटाफट से आप नोट कर सकते हैं। इधर सबसे पहले बात करती हूँ एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए क्या होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें छूटी हुई है जो कि रिलेटेड योर ट्रांसफॉर्मेशन, रिलेटेड योर 8th हाउस, क्योंकि 8th हाउस में इस वक्त वक्री पोजिशन में आएंगे, ठीक है। स्पेशली रिगार्डिंग योर डीप चीज़ें जो आपने लोगों से छुपाई हुई है, जो लोगों से छुपाई हुई आपके कम्युनिकेशंस है, जो लोगों से छुपाई हुई आपके फ्रेंड सर्किल है, जो लोगों से छुपाई हुई आपकी अपॉर्चुनिटीज़ है या छिपे हुए दुश्मन है, वो सारी चीज़ें इस वक्त हो सकता है कि आपको उनको ठीक करना पड़ेगा। एक तो कि वो एक ठीक करते हैं, किसी चीज़ को करेक्शन करते हैं, कोई प्रॉब्लम होता है मॉडिफाई करते हैं, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा, ताकि आप जब 2024 में जैसे ही बुध 9th हाउस में आएगा, आपके सजेशन में आएगा, तो वो सारी चीज़ें क्लियर होती हुई, क्लीन होती हुई निकलेगी। तो माइंड योर फ्रेंड सर्किल, माइंड योर सपोर्टिंग सिस्टम, माइंड योर सराउंडिंग लोग, योर ग्रुप्स, उसके अलावा आपके छिपे हुए दुश्मन 8th हाउस में, वहाँ पर उन सबको आपको रिलैक्स करना पड़ेगा। उसके बाद ही बुध जो है आपको प्रॉपर रिजल्ट्स देंगे, ठीक है। बात करते हैं टॉरस वालों की। आपके 8th हाउस में है वक्री पोजिशन में आने वाले हैं, तो क्योंकि सजेशन आपका 8th हाउस में आता है, कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन टुवर्ड्स योर स्पाउस, दैट इज़ अ मेन थिंग फॉर द टॉरस पीपल। उसके अलावा आपका मनी मैटर, ठीक है। उसके अलावा आपके जिन लोगों के साथ में आपकी डेटिंग चलती है, यस, जिन लोगों के साथ आपकी डेटिंग चलती है, जिन लोगों के साथ आप डेट्स में हैं, या आपका जो रूटीन इनकम है,
ठीक है। और उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपके स्पेशली आपके स्पाउस की बात करती हूँ मैं, या आपके जो रिलेशनशिप में आप हैं किसी के साथ में, कमिटेड रिलेशनशिप में, उनके साथ में आपका बिहेवियर, उनके साथ में आपकी जो रिलेशनशिप है उनको आपको ठीक करना पड़ेगा। एज मतलब कम्युनिकेट करना है, बात करनी है, कॉल करना है, बुध क्या है मेन कम्युनिकेशन का कारण होता है, ठीक है, वो सब चीज़ों का आपको ठीक करना पड़ेगा। देन टूवर्ड्स द बुध विल गिव यू द पॉजिटिव रिजल्ट्स इन द आने वाले टाइम में, ठीक है। बात करते हैं जेमिनाइज वालों, आपके ये हो रहा है 8th हाउस मतलब 6th हाउस में, ठीक है, वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन मांग रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, आपका खुद का दिमाग, 1st हाउस का लॉर्ड है और आपकी 4th हाउस का लॉर्ड है, आपका खुद का दिमाग, आपकी फिक्स असेट्स, ये आपका थॉट प्रोसेस, ये आपका मन, दिमाग और दिल दोनों ही उसमें काम कर रहे हैं। आपको अपने सोच विचार में मॉडिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, करेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। 6th हाउस में आ रहा है, हो सकता है इस समय आप निगेटिव विचारों से भी गिरे, ठीक है, बट आपको अपने विचारों पर ध्यान देना है, सोच विचार पर ध्यान देना है, अपनी फर्दर लाइफ को बेटर बनाने के लिए अपने दिल और दिमाग दोनों का कनेक्शन को ठीक करना है। दिल कुछ और, दिमाग कुछ और सोचता है, दिल कुछ और सोचता है, ये हमेशा जेमिनाइज वालों के साथ होता है, क्योंकि 1st हाउस और 4th हाउस दोनों को ही होल्ड करता है मरकरी, और अब 6th हाउस में आकर के वो, और 6th हाउस जो प्लेस है वो भी मरकरी को दिया गया है कर्कशक कुंडली। तो कहीं ना कहीं यू शुड थिंक अबाउट योर थॉट्स एंड योर हार्ट जो डिज़ायर्स होती है, दोनों को मिला करके आपको क्लियर करना है अपने थॉट को, कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है, मेन चीज़ ये है, कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है। आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, आपकी रिगार्डिंग आपको करना क्या है, आपके कर्म क्या बोल रहे हैं, उसके अलावा आपका किसी दुश्मनी तो नहीं है, या फिर आपकी जो रूटीन इनकम है प्रारब्ध कर्मा, उनको भी आपको देखना है। एनालिसिस योर सेल्फ, योर थॉट प्रोसेस एंड योर हार्ट जो फीलिंग्स है दोनों को ही आपको एनालिसिस करना है इस समय, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए इस समय बुध को, आपके बुध को। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपका 12th हाउस और आपका 3rd हाउस दोनों के लॉर्ड है, और उसके अलावा आपके 5th हाउस में इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में आने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्या करना है, कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, सबसे पहले यू शुड थिंक अबाउट योर सराउंडिंग पीपल्स, ये आपके सपोर्टिंग सिस्टम कौन है, इससे आपकी इमेज पर कितना असर पड़ता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपके जो सराउंडिंग लोग हैं उनके साथ में आपका कोई एडिक्शन तो नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा तो नहीं करते हैं, या उनकी वजह से आपकी जो इमेज है या आपकी जो है ना कि ऑरा, उसमें कितना नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें आपको उस चीज़ को देखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी। अगर कोई एडिक्शन है उससे बाहर निकलना है, नेगेटिव लोगों के साथ फ्रेंडशिप है उससे बाहर निकलना है, उसके अलावा अगर आपकी कम्युनिकेशन पावर लेस है तो इस समय भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। सूर्य आपको सपोर्टिंग सिस्टम दे सकते हैं, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, फादर फिगर का ध्यान रखिए, या अपनी जो इमेज इन द सोसाइटी है उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त अपनी जॉब ना चेंज करें, मैं कैंसर वालों की बात करूँ। बात करते हैं लियोज वालों की, आपके ये 4th हाउस में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आ रहे हैं, 4th हाउस आपका स्कॉर्पियो प्लेस है, और आपके 11th हाउस और आपके 2nd हाउस के लॉर्ड है बुध, ठीक है। कहीं ना कहीं इस समय आपके जो फिक्स असेट्स हैं उसमें किस तरह का रेक्टिफिकेशन या आई कैन से कि रिनोवेशन मांग रहा है आपका घर, उसके अलावा आप किस तरह से कौन से घर में रहते हैं, वहाँ पर क्या निगेटिव चीज़ें हैं या क्या प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आपकी गाड़ी हो जाए, फिक्स असेट्स में अभी गाड़ी भी आती है, योर मोबाइल, योर फिक्स असेट्स, आपका घर, आपकी प्रॉपर्टीज़, आप जहाँ आप रह रहे हैं सराउंड में जो चीज़ें हैं जिनको आप भोगते हैं, उन सब चीज़ों में आपको इस समय चेंजेस करने पड़ सकते हैं, या कोई होता कि ठीक करवाया है मैंने, घर में प्रॉब्लम थी ये ठीक करवाया है, ये प्रॉब्लम आ गई थी, स्पेशली पाइपलाइंस को लेकर के क्योंकि 4th हाउस है, और उसके अलावा कहीं ना कहीं आपको इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है इस समय। पाइपलाइन से रिलेटेड कोई चीज़ें आपके घर में प्रॉब्लम कर सकती है, उसके अलावा जैसे ना वाटर लीकेज हो गया, इस तरह की चीज़ों का प्रॉब्लम आपको हो सकता है नॉर्थ, स्पेशली नॉर्थ प्लेस पे, तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। चीज़ों को चेंज कीजिए, लेट गो मत करना, इस वक्त खराब हो रही है तो उसको इस वक्त ठीक करवा लो, ठीक है, घर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ठीक करवा, किसी भी तरह की चीज़ें जो प्रॉब्लम्स कर रही है उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा आपका अर्निंग प्रोसेस, आप पैसा कैसे कमाते हैं और आपकी फिक्स असेट्स हैं उसमें आप किस तरह से इन्वॉल्व हैं, मतलब पैसा कमा करके आप फिक्स असेट्स खरीदते हैं, तो उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई नई डील आप इस समय ना करें किसी भी तरह की फिक्स असेट्स को लेकर, नया मोबाइल नहीं लेना है, नया आपको गाड़ी नहीं लेना है, नया आपको मकान की डील को अवॉइड करना है सर। बात करते हैं वर्गोज वालों की, आपका तो 1st हाउस का लॉर्ड वीनस वर्करी है, और आपके 3rd हाउस में इस समय रेट्रोग्रेड पोजीशन में एंट्री करने वाले हैं, ठीक है, तो और आपके 10th हाउस का लॉर्ड भी है इस समय। आपके सराउंडिंग लोग आपको कितना सपोर्ट करते हैं इन योर करियर, पहली चीज़ तो ये, उसके अलावा अबाउट योर पर्सनैलिटी, वट इज़ योर पर्सनैलिटी सेइंग अबाउट यू, ठीक है, एंड अबाउट योर करियर ऑल्सो, यू जस्ट
थिंक सीरियसली इन योर करियर और सराउंडिंग पीपल्स. कहीं आपको लगेगा कि कोई धोखे से आप, जैसे किसी ने कह दिया कि ठीक है मैं आपको सपोर्ट करूंगा इन योर करियर, और आपने उसका अविश्वास मतलब विश्वास कर लिया, और आपको सडनली लगा कि इट्स वाज रॉन्ग, पर्सन वाज रॉन्ग, और मैंने गलत डील पे साइन कर दिए या गलत लोग के साथ इंटरेक्ट कर लिया, गलत कॉन्टेक्स्ट में चला गया. इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अपनी स्टेबिलिटी को बिल्कुल भी ना हिलाएं आप, वेरी इंपॉर्टेंट. और ट्रांसफॉर्म कीजिए. अगर लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लोग आपको परेशान कर रहे हैं, या निगेटिव लोगों का इन्फ्लुएंस है, या निगेटिव आप आई कैन से कि आपकी जॉब है या निगेटिव आपका है, तो चेंज दैट थिंग्स, ट्रांसफॉर्म कीजिए उस चीज़ को. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अपने सपोर्टर्स को देखिए कि रियली ये पॉजिटिव और निगेटिव क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपकी लाइफ पर. बात करती हूँ मैं इस वक्त लिब्रा वालों की. लिब्रास वालों के लिए सेकेंड हाउस में ट्रांसफॉर्मेशन लेवल आ रहा है. उसके अलावा आपके ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड है, और आपके ये नाइन्थ हाउस के लॉर्ड भी है मरकरी. ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफॉर्म करना है अबाउट योर पर्सनैलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, आपका ईटिंग हैबिट्स, आप क्या खाते हैं, आपका बात करने का तरीका, रिलेशनशिप विथ योर फैमिली जो आपके साथ आपके घर में रहते हैं. उसके अलावा इस समय आप अपनी पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, इस वजह से आप खर्चा भी करेंगे. तो इस वक्त माइंड कीजिए कि आपको क्या लेना है, अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से चेंज कर सकते हैं. बिल्कुल ट्रांसफॉर्म भी देर सेकेंड हाउस है. पर्सनैलिटी, आपकी ऑरा, आपकी फिजिकल जो फिजिक जो बॉडी है, आप कैसे दिखते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा. उसके अलावा आपकी बात करने का तरीका, हाउ यू टॉक विथ अदर पीपल, और आपकी जो फैमिली के साथ लोगों के साथ में आपके कैसे संबंध है, कैसे आप बात करते हैं, कैसे अपने आप को एक्सपोज करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं उन लोगों के साथ में, इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. स्पिरिचुअल पावर डेफिनेटली आपको आपको बढ़ेगी. उसके अलावा खर्चा बढ़ेगा, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें चेंज करेंगे. इस समय खरीदारी करेंगे, शॉपिंग करेंगे बहुत सारी. लिब्रा है ना, लिब्रा है, शॉपिंग कर रहा है, मतलब खर्चा करेगा तो अपने ऊपर ही करेगा. और सेकेंड हाउस है, स्कॉर्पियो है, कहीं ना कहीं तो चेंजेस मांग रहा है, दबी हुई चीज़ें निकल कर के बाहर रास्ते दिए में चेंजेस करेंगे. ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको. उसके अलावा अपनी वोकेबुलरी का भी ध्यान रखिए, आप कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. खर्चा बढ़ेगा, खर्चा कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, पॉजिटिविटी है. एक्सपेंसेस अब जरूरी है आपको इसको करना. बात करते हैं स्कॉर्पियोज वालों की. आपके जब फर्स्ट हाउस में ही ट्रांजिट करने वाले हैं, स्कॉर्पियोज वालों के लिए ये आपके इलेवंथ हाउस के लॉर्ड है और आपके एट्थ हाउस के लॉर्ड है. इस समय आपको आपका थॉट प्रोसेस टुवर्ड्स योर इनकम, उसके अलावा टुवर्ड्स योर थॉट प्रोसेस जो डीप जो आप अंदर रखते हैं, जिनको लोगों को बताते नहीं हैं, दिखाते नहीं हैं, वो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली उजागर होगी. हो सकता है कि इस समय आपकी छिपी हुई कमाई उजागर हो जाए लोगों के सामने, या आपकी ऐसी पर्सनैलिटी बाहर निकल के आ जाए सडन लोग है कि ये आदमी ऐसा नहीं था, यह आदमी से बात नहीं करता था, यह आदमी की चेंजेस हो गए, एग्जाम बात करने का तरीका, या किन लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हो, उन चीज़ों में आपको चेंजेस लगेगा. आप करेंगे ऑटोमेटिकली, हो भी जाएगा, बिकॉज जब भी प्लैनेट्स आते हैं वो चेंजेस अपने साथ लेकर के आते हैं. करें ना करें इफेक्ट आपको फील होने वाला है फर्स्ट हाउस में. इस समय आपको हो सकता है कि कोई ऐसा, मैंने बताया कि निजी चीज़ें उजागर हो सकती है, रिलेशनशिप उजागर हो सकता है, या आपकी कोई कमाई उजागर हो सकती है जिससे कि आपने लोगों से छिपाया हुआ था. ठीक है, दैट इज़ अ गुड साइन. अगर आपको लगता है कि बाहर आनी चाहिए तो आप बाहर लेके आ सकते हैं. इस समय आप हो सकता है कोई इंटरनेट या नेट से या ऑनलाइन से रिलेटेड कोई नया काम भी स्टार्ट करें जहाँ से आपकी कमाई हो, या आपके थॉट खुले कि मैं तो ऑनलाइन से बहुत अच्छा पैसा कमा सकता हूँ. कैन बी पॉसिबल. अपने थॉट प्रोसेस को क्लियर करना है, क्योंकि मरकरी विचारों का कारक होता है. निगेटिव वे में नहीं जाना किसी की बात पर, या निगेटिव वे से कमाई करना, दैट इज़ नॉट. बात करती हूँ सिस्टर्स वालों की. आप ये सेवंथ हाउस के लॉर्ड है और आप ये टेंथ हाउस के लॉर्ड भी हैं. यस, ठीक है. और अभी आपके एट्थ हाउस में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आ रहे हैं, क्योंकि एट्थ हाउस आपका स्कॉर्पियो प्लेस है. इस समय आपका कोई छुपा हुआ संबंध बाहर आ सकता है. आप इस बात को ध्यान रखिएगा, किसी भी कीमत पर. इस समय हो सकता है कि आपका सडनली कोई ऐसा रिलेशनशिप या ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में है, फ्रेंड्स की बात कर लूँ, इमोशन लेवल की बात कर लूँ, वो सडनली उजागर हो सकता है, या सडनली कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, तुरंत से आपकी लाइफ आपको लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा, या सडनली आपके सराउंडिंग चीज़ों को. उसके अलावा इस समय आप खर्चा भी करेंगे. इस समय आपको आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. स्पेशली रिगार्डिंग बुध, अपने स्पाउस के साथ में बात करने का तरीके को संभालना पड़ेगा, या अपने जो वर्क प्लेस है वहाँ पर लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अवॉइड कीजिएगा जो शब्द आप अपने मुंह से निकाल रहे हैं ट्वेल्थ हाउस से. ठीक है, सडनली प्रॉब्लम्स आ सकती है, या कोई बीमारी आपको है उसको नज़रअंदाज आपको इस समय नहीं करना है. बीमारी है तो उसको इलाज करवा लीजिए,
लेट गो मत कीजिए, इलाज करवा के निकलिए, अदरवाइज 12th हाउस में बकरी हो रहा है बुध आपकी। इस समय आपको हो सकता है कि नींद ना आने की प्रॉब्लम हो जाए, सपने निगेटिव आए, सडनली आपको कुछ सपने ऐसे आने लग जाएँ, सडनली आपको लगे कि आप डर जाएँ, कैन बी पॉसिबल। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए, छोटी कन्याओं को कुछ गिफ्ट दीजिए, आप खाना खिलाइए, चॉकलेट्स बांटिए, जो भी है, छोटी कन्याएं जो होती हैं उनको आप गिफ्ट दीजिए, जो भी आप दे सकते, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। थोड़ा अलर्ट होकर चलना पड़ेगा सिस्टर्स। बात करते हुए कैप्रिकॉर्न्स वालों की, आपके ये 11th हाउस में हो रहे हैं, उसके अलावा आपके ये 6th हाउस के और आपके ये 9th हाउस के लॉर्ड भी हैं। कहीं ना कहीं आपकी इस समय इनकम सोर्स की बात करूँ या इमेज इन द सोसाइटी, इसमें थोड़ी सी आपको खटास मिल सकती है, क्योंकि 6th हाउस के भी लॉर्ड है, हो सकता है कि आप कोई बात करने से या अपनी बोलने के तरीके से कोई अपनी इमेज इन द सोसाइटी खराब कर ले, या कोई दुश्मन पाल ले, सोसाइटी में कोई दुश्मन आपका हो जाए कि हाँ इसे वेरी बैड वर्ड से निकालता है, तो अब ऐसे बात हो सकती है। उसके अलावा इस समय आप जितने स्पिरिचुअल और शांत रहेंगे उतना आपके लिए बेटर है। ज़्यादा उपदेश देना, निगेटिव बोलना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलना, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। इस समय आपकी जो ग्रोथ है ना, आपकी जो पर्सनैलिटी इन द सोसाइटी, वो ख़राब हो सकती है। उसके अलावा अगर आप जंप कर रहे हैं अपने जॉब में, या लालच वाले एरिए में जा रहे हैं, या आप चाहते हैं कि अपनी जॉब बदल लूँ बेटर पैकेज के लिए, तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिए, ऐसे रिस्क नहीं लेना है। बात करते हैं एक्यूरेस वालों की, आपके ये 10th हाउस में हो रहे हैं, उसके अलावा आपके ये 8th हाउस के और आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं, मरकरी की बात कर रही हूँ, ठीक है। इस वक्त आपके 10th हाउस में ये रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ रहे हैं, तो इस समय आपको आपके करियर के लिए, माइंड कीजिए, करियर के लिए बहुत ज़्यादा सोच समझ करके डील्स करनी है। आइदर यू आर साइन और समथिंग, कोई जगह पे आप साइन कर रहे हैं, कोई कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, कोई ऑफिस में आप अप्लाई कर रहे हैं, कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, थोड़ा सा भी अगर आपने चूक करी ना, तो आप बड़ी वाली अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठेंगे। इस बात का बहुत ज़्यादा इस वक्त आपको ध्यान रखना है, एक्वरसोलों की बात कर रही हूँ। स्पेशली 7 जनवरी तक तो आपको कोई नया काम करना ही नहीं है, अवॉइड करना है, अवॉइड कीजिए, बस शांति जो निकल जाए बेटर है, अदरवाइज आपका छोटी सी चूक के लिए आपका करियर डाव पे लग सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाद में आपको पछतावा पड़े कि मैंने वो कंपनी क्यों छोड़ दी, बेटर था, मैंने फलाना जॉब क्यों स्टार्ट कर दिया, फलाना मैंने बिजनेस क्यों कर लिया, या मैंने फलाना कॉलेज में क्यों चला गया। करियर के लिए दिस इज़ अ वेरी आई गेस सेंसिटिव टाइम चल रहा है आपके लिए, तो आप बिल्कुल 7 जनवरी तक तो एकदम शांति रखनी है आपको। मैं कोई तरह का एडवाइस आपको दे नहीं सकती, स्पेशली 2 जनवरी तक बिल्कुल आपको कोई, डोंट टेक एनी टाइप ऑफ रिस्क अबाउट योर करियर, अबाउट योर स्टेबिलिटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फादर की हेल्थ का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात करती हूँ फाइनली पाइसिस वालों की, आपके ये 9th हाउस में रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ रहे हैं, और आपके ये 4th हाउस के और आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं। यस, इस समय आप अपनी स्पाउस और अपना जो घर है, उन दोनों चीज़ों से मिला करके कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफॉर्मेशन फील होगा। उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा इसमें स्पिरिचुअल पावर भी जा सकते हैं, इस समय मंत्रास कर सकते हैं, भजन कीर्तन करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस में भी हैं तो समय अच्छा है, डेस्टिनी इस वक्त आपका साथ दे रही है, बट वेन यू आर वेरी मच स्पिरिचुअल, हो सकता है कन्वर्ट इन द स्पिरिचुअल, आप अपने घर में कोई मंदिर बनवा लें, स्पिरिचुअल पावर में जाएं, गुड थिंग इज देयर, बट बुध इज देयर विद इन स्कॉर्पियो, ठीक है, केतु का भी इन्फ्लुएंस है क्योंकि स्कॉर्पियो प्लेस है, कहीं ना कहीं आपको पावर मिल रही है स्पिरिचुअल पावर की, बट उसका आपको मिसयूज़ नहीं करना है। एक पावर पोजिशन जब इंसान को मिलती है तो कहीं ना कहीं वो ना मिसयूज़ ना कर जाए, या आपकी वो राठौड़ी नहीं जमा दे, ठीक है। अपनी अपने बिजनेस में या अपना जो घर है वहाँ से लेकर के कहीं भी कोई भी निगेटिव चीज़ आपको नहीं करनी है। बी स्पिरिचुअल, बी रिलैक्स एंड बी पीसफुल, काम रहिए बहुत ज़्यादा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिवेट होना किसी भी चीज़ का इज़ नॉट गुड फॉर यू राइट नाउ, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फादर की हेल्थ का ध्यान रखिए, घर का ध्यान रखिए, घर फिक्स सेट्स का ध्यान रखिए, उसके अलावा अपनी स्पाउस की तबीयत का ध्यान रखिए, स्पाउस और रिलेशनशिप का भी ध्यान रखिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा छोटा सा नहीं काफ़ी बड़ा सा वीडियो था फॉर एवरीवन, फॉर 10 डेज 11 डेज का काम है, 5 दिन के लिए वो डायरेक्ट रहेंगे, 5 दिन के लिए वकील रहेंगे इन स्कॉर्पियो, बट दिस इज़ आर ट्रांसफॉर्म प्लेस फॉर, मतलब स्कॉर्पियो है इसलिए ट्रांसफॉर्म डेफिनेटली करने वाला है, तो बुध का ध्यान रखिएगा, बात करने में सावधान रखिए, दुश्मन ना बना लें आप, सबकी बात कर रहे हैं उस समय बोलने से। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड।